अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ एसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। ये टेबल टैक्स के टॉपिक के ऊपर सेकंड वीडियो है। लास्ट वीडियो में जो टैक्स हमने कवर किए थे वो थे टेबल टैग, टी हेड टैग, टी आर टैग और टी एच टैग। जो टैक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे वो है टी बॉडी, टी आर, टी डी और टी फुट टैग। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं कोड को ओपन कर लूंगा और लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक हमने काम किया था जिसमें हमने ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाया था और जिसका रिजल्ट हमें यहाँ पर ये नजर आया था। इस वीडियो में हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे और इस पहली रो के नीचे 3 से 4 रोज इंसर्ट करेंगे जो कि एक्चुअल डेटा रोज होंगे, जिसमें ID 1, 2, 3, 4, टाइटल मैं डिफरेंट पोस्ट का टाइटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन मैं डिफरेंट पोस्ट की डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा, इमेज का हम लिंक ऐड कर लेंगे, क्रिएटेड ऐड के लिए हम कोई रैंडम डेट चूज कर लेंगे, स्टेटस हम किसी का पब्लिश, किसी का ड्राफ्ट और किसी का इन प्रोग्रेस लिख देंगे, पोस्ट की कैटेगरी होगी वो हम मेंशन कर देंगे, इज एक्टिव अगर पब्लिश होगी तो ट्रू कर देंगे और बाकी स्टेटस के लिए फॉल्स कर देंगे। और एक्शंस में ये एक मजे का कॉन्सेप्ट होगा जो आप सीखेंगे, वो ये होगा कि मैं यहाँ पर 3 बटन्स शो करवाऊंगा जो कि इसके नीचे शो होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। मैं यहाँ पे कोड में आ जाऊंगा और नेक्स्ट जो टैग हम सबसे पहले आज स्टडी करेंगे वो है टी बॉडी टैग। और होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, टी फॉर टेबल एंड बॉडी फॉर बॉडी, ये मेनली यूज होता है। ये भी एक रैपिंग टैग है और ये मेनली यूज होता है यहाँ पर जो डेटा रोज हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने। एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जितने हम टेबल हेडर सेल यहाँ पर ऐड करेंगे, जितने हम टी एच ऐड करेंगे उतने ही हमें टी डी भी ऐड करने पड़ेंगे। टी एच स्टैंड करता है हेडर सेल के टाइटल के लिए और टी डी स्टैंड करता है टेबल डेटा सेल के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एक टी आर, एक टेबल रो इंसर्ट की थी, हम यहाँ पर भी एक टेबल रो इंसर्ट करेंगे। जो भी हमारी टेबल में और लिस्ट में जो हमारा डाटा होता है वो रोज की फॉर्म में आता है, एक रो आती है, फिर 2 रो आते हैं और उसके अंदर हम कॉलम्स को लगाते हैं कि ये पहला कॉलम है। रोज हमारे हॉरिजॉन्टली चल रहे होते हैं और कॉलम हमारा वर्टिकली चल रहा होता है कि आईडी एक कॉलम है, इसके नीचे आईडी का डाटा आएगा, टाइटल दूसरा कॉलम है, उसके नीचे टाइटल का डाटा आएगा, सो एंड सो फॉर। हमारी एक यहाँ पे रो आ गई और इसके अंदर अब जो डाटा इन्फो है वो हम टी डी को यूज करते हुए इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर जो पहला टी डी है वो पहले टी एच को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर मैं वो डाटा लिखूंगा, वो टेक्स्ट लिखूंगा जो कि मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम के नीचे शो हो। यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा और इसे कॉपी पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे जितने यहाँ पर टी एच हैं मैं उतनी दफा टी डी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास यहाँ पर टोटल 9 हेडर सेल हैं, हमें यहाँ पर टोटल 9 डेटा सेल ऐड करने पड़ेंगे। 2 मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, मैं इसको 7 दफा यहाँ पर रिपीट करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पर हमारा काउंट कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसके रिस्पेक्टिव डेटा ऐड कर दूंगा। आईडी का डेटा फर्स्ट में जाएगा, टाइटल का डाटा सेकंड में, डिस्क्रिप्शन का डाटा थर्ड में, इमेज का डाटा फोर्थ में, इसका डाटा नेक्स्ट उसके बाद और सो ऑन एंड सो फोर्थ। टाइटल हम ऐड कर देंगे पोस्ट 1। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डमी में अभी डाटा ऐड कर रहा हूँ, पोस्ट 1 डिस्क्रिप्शन, और इमेज भी यहाँ पे मैं डमी ऐड कर दूंगा। मैं अभी के लिए zions.com का URL यहाँ पर ऐड कर दूंगा। क्रिएटेड ऐड हम ऐड कर देंगे कि ये क्रिएट हुआ था 12/9/2020, कि ये 2020 में क्रिएट हुआ था, ये मैं एक रैंडम डेट यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्टेटस ऐड करूंगा पब्लिश्ड, उसके बाद मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर दूंगा प्रोग्रामिंग, इज एक्टिव को मैं ट्रू कर दूंगा, इज एक्टिव की जगह मैं यहाँ पे यस पे लेस कर दूंगा, और एक्शन की जगह जैसे मैंने कहा था कि मैं 3 बटन्स यहाँ पे शो करवाऊंगा, एक बटन हम पहले इंसर्ट कर लेंगे जिसमें मैं लिख दूंगा व्यू, इस बटन को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा 2 दफा और यहाँ पर एडिट और डिलीट ऐड कर दूंगा।
मैं इसे सेव करूंगा और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो डाटा है वो प्रॉपरली अपने अपने कॉलम के नीचे शो हो रहा है। इसी तरह मैं इस रो को दो दफा कॉपी पेस्ट कर दूंगा और डाटा जो वन है उसको टू और थ्री के साथ रिप्लेस कर दूंगा। मैंने इस पूरी रो को यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया दो दफा और यहाँ पर वन की जगह मैंने टू ऐड कर दिया, यहाँ पर भी वन की जगह मैंने थ्री ऐड कर दिया। सेव किया और यहाँ पर आके रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि जो हमारा लिस्ट व्यू है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर ऐड हो गया। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे टी फुट टैग से, जो टेबल का फुटर इन्फो है उसको ऐड करने के लिए। मैं यहाँ पर आऊँगा और टी बॉडी टैग को क्लैप्स कर लूँगा और इसके नीचे टी फुट टैग को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, क्लोज करूँगा और होपफुली आपने गेस कर लिया होगा कि जैसे कि हमने मेन जो हमारा काम स्टार्ट होता है वो टी हेड के साथ स्टार्ट होता है, इसमें एक हमने सिर्फ और सिर्फ एक मेनली टी आर इंट्रोड्यूस करवानी होती है। हम एक से ज़्यादा भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं लेकिन मेनली ज़्यादा केसेस में हम सिर्फ एक रो को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके अंदर जितनी हमें कॉलम चाहिए होते हैं, जितने सेल चाहिए होते हैं, उन सब की हेडिंग्स को डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ बॉडी टैग आता है और उसमें हर एक डेटा आइटम के लिए हम एक रो क्रिएट करते हैं और उस डेटा आइटम का डेटा उसमें डेटा सेल्स में शो करवा देते हैं, जिसके लिए कि हम टीटी का टैग यूज करते हैं। जब तक हमारा डेटा खत्म नहीं होता हम टीआर इंट्रोड्यूस करवाते जाते हैं और जब हमारा डेटा खत्म हो जाता है हम टेबल बॉडी के टैग को खत्म कर देते हैं। लास्टली जिस टेबल में हमने फुटर इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है वहां पे हम टी फुट, टी फॉर टेबल और फुट फॉर फुटर उस टैग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इसमें हम कुछ भी इन्फो यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी टेबल में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जो सेल के नाम हमने हेडर में इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं उनको हम एज इट इज फुटर में भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर और नीचे सेम यहाँ पे शो हो गया और किसी जगह ये होता है कि फुटर के अंदर हम कॉपीराइट इन्फो या किसी किस्म की टेबल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो कर देते हैं कि दिस टेबल इज लिस्टिंग आवर पोस्ट्स डाटा। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं कि पोस्ट्स डाटा डिस्प्ले। सेव, रिफ्रेश। किसी टेबल में हम टी एच को टी फुट में यूज कर लेते हैं जब हमें, और किसी टेबल में हम फुटर के टैग को पूरी तरह ओमिट कर देते हैं कि उसको यूज नहीं करते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने हेडर जो टेबल सेल्स होते हैं उनका टाइटल बताना होता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपना जो डाटा होता है उसको वहां पे लूप करके शो करवाना होता है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा और ये फॉर्मेट मेनली इस तरह की फॉर्मेट पे फॉलो किया जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये डाटा आपस में काफी ज्यादा मिला हुआ है, मीन कि ये इजीली रीडेबल नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक टेबल एट्रीब्यूट के मुतालिक बताऊंगा जिसको यूज करते हुए आप काफी इजीली अपने जो टेबल के रोज और सेल्स हैं उसको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो एट्रीब्यूट हम स्टडी करेंगे वो है बॉर्डर का एट्रीब्यूट। यहाँ पर मैं टेबल के ऊपर बॉर्डर का एट्रीब्यूट इंसर्ट करूंगा और इसकी वैल्यू जीरो या वन हो सकती है। मैं वन एंटर करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो टेबल की फॉर्मेटिंग और जो विजुअली इसका लुक है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जीरो एंटर करता हूँ जो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे पहले नजर आ रहा था उसी तरह अभी भी नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे इसे वन एंटर कर दूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और आपके सामने ये काफी इजीली रीडेबल है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हमें एक हेडर सेल को दो से तीन डाटा सेल के बराबर विड्थ देनी पड़ती है, मीन कि अगर मैं इन व्यू, एडिट और डिलीट को इंडिविजुअल टी डी में रैप करता हूं, मैं यहां पर आता हूं कोड में और यहां पर इन तीनों को इंडिविजुअल टी डी में रैप करता हूं, मैं इसे यहां पर टी डी को क्लोज कर देता हूं
और यहां पर टीटी स्टार्ट कर देता हूं। मैं इस बटन को इसमें मूव कर देता हूं और यहां पर सिर्फ और सिर्फ टीटी को स्टार्ट करके इसे यहां से रिमूव कर देता हूं। मैं यहां पे सेव करूंगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा और यहां पर आके जब मैं कोड ब्राउजर में रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्योंकि अभी सिर्फ थर्ड रो में किया है, मैं इसको बाकी रोज में भी कर दूंगा और फिर हम इसका चेंज देखेंगे। मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा और बाकी रोज में भी इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। इस रो को भी अनकोलैप्स करूंगा, एक्सपेंड करूंगा और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। यहां पे आके अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो एक्शन का हेडर सेल है वो सिर्फ और सिर्फ व्यू के डाटा सेल को रैप कर रहा है, उसके ऊपर शो हो रहा है और बाकी ये जो एडिट और डिलीट का डाटा सेल है उसके ऊपर कोई भी हेडर सेल शो नहीं हो रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो एक्शन का हेडर सेल है ये इन तीनों के ऊपर शो हो। उसके लिए जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि हम टी एच और टी डी दोनों पे यूज कर सकते हैं वो है कॉल स्पैन, जिसका मतलब है कि ये कितने कॉलम की विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। यहां पर मैं एक्शंस में आके इसके टी एच पे कॉल स्पैन लिखकर एंटर करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये एक टी डी, दो टी डी और तीन टी डी, ये तीन टेबल डाटा सेल उतनी विड्थ को ऑक्यूपाई करे। मैं यहां पर तीन लिखकर एंटर करूंगा, यहां पे सेव करके यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल जो हम चाहते हैं वही है कि हमारा जो एक्शन का हेडर सेल है वो इन तीनों डाटा सेल जो कि व्यू, एडिट और डिलीट का बटन के डाटा सेल है उन तीनों के बराबर की विड्थ को ऑक्यूपाई कर रहा है। ये चीज हम नीचे यहां पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी एक रो में मैं डिलीट के बटन को रिमूव कर देता हूं और उसमें सिर्फ और सिर्फ व्यू और एडिट का बटन होता है और मैं चाहता हूं कि जो एडिट का टी डी है वो दो कॉलम्स की विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले, तो वो हम इस तरह अचीव कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आके सेकेंड रो में से इसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर कॉल स्पैन में टू एंटर कर दूंगा। पहले मैं आपको जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इसकी वन है, वन रख के सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊंगा कि ये जो कॉलम है वो एम्प्टी हो गया। अब मैं यहाँ पे टू एंटर करूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर है वो यहाँ तक आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो। मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, इसे वन करूंगा और यहाँ पे आके यहाँ पे इस बॉर्डर पे आपने नजर रखनी है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉर्डर अब यहाँ तक ही सिर्फ रह रहा है, लेकिन जब मैं इसे टू कर दूंगा तो ये बॉर्डर यहाँ तक पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। बाकी ये बटन की जो विड्थ है उसको हम CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं इसे जूम आउट कर दूंगा और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर रैप अप होता है। मैं एक दफा इसे रिव्यू कर दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। जो टैग्स हमने टेबल में स्टडी किए उनमें शामिल है टेबल का टैग टी हेडर, टी आर, टी एच, टी बॉडी, टी आर, टी डी और हमने टी फुट को भी स्टडी किया, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि वो ज्यादा यूज नहीं होता अनटिल अनलेस कि आपका कोई स्पेसिफिक यूज केस हो जिसमें वो रिक्वायर्ड हो। मैंने आपको उसे यूज करके दिखा दिया लेकिन बाद में मैंने उसे रिमूव कर दिया क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं होता। उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स हमने स्टडी किए वो बॉर्डर का एट्रीब्यूट जिसके जरिए हमारे जो टेबल की लुक थी वो काफी ज्यादा यहाँ पे बेहतर होगी, क्योंकि अभी तक हमने CSS बिल्कुल भी स्टडी नहीं की, इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ HTML के एट्रीब्यूट्स के थ्रू अपने टेबल, अपने जो पेज की लुक एंड फील है उसको जितना बेहतर कर सकते हैं कर रहे हैं। और लास्टली जो हमने एक एट्रीब्यूट स्टडी किया वो था कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट जिसके जरिए हमने एक कॉलम की विड्थ को कंट्रोल किया। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिखकर बताएं कि वो कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके जरिए मैं टी एच की विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूं कि एक टी एच दो टी डी जितनी विड्थ को ऑक्यूपाई करे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।